अगर आप दुकानें बंद नहीं करेंगे तो हमें सख्ती से पेश आना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपनी दुकानें बंद करें। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. कोरोना वायरस की महामारी से जंग लड़ते लड़ते अब स्थिति ऐसी बिल्कुल है कि राजस्थान के अंदर धारा 144 लगी हुई है, लेकिन फिर भी बाजार के हालात कुछ ऐसे हैं कि जगह जगह पर धारा 144 टूटती हुई नजर आ रही है। लोगों की जो भीड़ है, जो संख्या है लोगों की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए अजमेर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस जगह जगह पर लोगों को समझा रही है, जागरूक कर रही है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आई है, और इससे पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है, संघर्ष कर रही है कोरोना को हराने के लिए। चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती ये इस वक्त बनी हुई है, और इसीलिए अजमेर पुलिस अब जागरूक कर रही है लोगों को जगह जगह। ये आपको दिख रहा होगा तस्वीरों के अंदर कि शहर के जितने भी बाजार हैं वहाँ पर दुकानों को बंद कराने का काम कर रही है। ऐसी दुकानें जिनका जो 4-5 ऐसी दुकानें सरकार ने कहा था कि वो खुली रहेंगी, बाकी सारी दुकानें बंद कर दी जाएं, लोग अपने घर पर रहे, तो उसी की पालना इस वक्त करवाई जा रही है। धारा 144 की कड़ाई से पालना करवाई जा रही है। छोटी छोटी जो थड़ियां थी जहां लोग झुंड के अंदर एकजुट होकर बैठते थे, उन सभी को बंद करवाया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि लोग अपने घर पर ही रहें, बहुत आवश्यक जब काम हो तभी घर से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर एक बात पैनिक लोगों को समझना पड़ेगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के लिए प्रशासन और सरकार एक बात की अपील भी कर रही है कि जो मूलभूत आवश्यकता वाली जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे कि दूध की डेयरी हुई है, सब्जी की दुकान हुई है, ग्रोसरी आइटम की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, ये किसी भी हालत में बंद नहीं हो रहे हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी की दुकानें हैं, बाकी की जो कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, इन सभी को बंद करने की बंद करवाया जा रहा है पुलिस की ओर से। और लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, थानाधिकारी हैं, जवान हैं, वो लगातार सड़कों पर उतर कर दुकानों में, बाज़ारों में जाकर बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि धारा 144 की पालना करें, उनको इस धारा 144 को तोड़ा ना जाए। इसके साथ साथ प्रशासन और सरकार एक अपील और लोगों से कर रही है कि बहुत महत्वपूर्ण अपील है कि कोरोना वायरस का जो महामारी इस समय दुनिया में फैली हुई है, उससे लड़ने के लिए आप अपने घर पर ही रहें। जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो अपने घर से बाहर नहीं निकलें, चाय की थड़ियों पर ना बैठें, बाज़ार में बेवजह ना आएँ, गाड़ी ना चलाएँ इस वक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अस्पताल तभी जाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जितने भी आपके महत्वपूर्ण कोई अगर नॉर्मल आपको बीमारी है तो उसके लिए अभी फ़िलहाल अस्पताल ना जाएं, अपने घर पर ही रहें। साथ में ये भी तय किया जा रहा है कि कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां लोग बैठकर जाकर खाना खाना चाह रहे हैं, उनको भी पाबंद किया जा रहा है। उनको भी कहा जा रहा है कि सिर्फ टेक अवे सर्विस लें, घर पर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ले जाएं, लेकिन यहां पर बैठकर खाना ना खाएं। पुलिस अपनी ओर से कोशिश कर रही है, प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा अपील है लोगों से यही है, और MTTV इंडिया भी यही अपील आम जनता से करता है कि आप लोग अपने घर पर ही रहिए, ऐसा जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर मत। बिल्कुल सही है मोदी जी का कहना, बिल्कुल समर्थन देना ही चाहिए। बिल्कुल ये मारामारी की बीमारी है, बिल्कुल कोरोना बेकार वायरस है। बिल्कुल शहर वार की ये कहना चाहेंगे, अपने बचाव के लिए घर पर रहें, हाथ वहाँ अच्छी तरह धोए, खाना माना बिल्कुल हाथ बंद धो के खावे। आज भी मार्केट बंद हुआ है। बिल्कुल मार्केट बंद होना बिल्कुल सही है। क्या मानते हो, सही कर रहे हैं गलत है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है, मार्केट बंद होना बिल्कुल बरोबर है। मेरा नाम है पंकज अमर नानी। यह आदमियों के लिए फ़ायदेमंद है, अगर घर से बाहर नहीं निकले तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये बीमारी फिर किसी को और ज़्यादा फैलेगी नहीं। ये बीमारी तो फैल रही है कोरोना की, इसमें क्या कहना चाहोगे, किस तरह का बचाव करें? बचाव यही है बस, खाली जो भी है कि जिस किसी को भी खांसी हो गए उससे थोड़ा दूर ही रहें और घर से बाहर ना निकले। हाथ हाथ धो के फिर खाना वगैरह खावे। राजेश अमरनानी।